भी अमित साधना शाह जी जी के पास बातचीत चल रही है। आप जी, आप पर आरोप है कि सिर्फ वोटों की खेती करने के लिए आपने किसानों को भड़काया है, ये साफ साफ भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है। और मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, आज सभी नेता बाहर निकले, इनफैक्ट अखिलेश यादव निकल गए, राहुल गांधी जी कहाँ हैं आज, वो किसानों के समर्थन में क्यों नहीं खड़े हुए? देखिए, बड़ी अजीब बात है। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के साथ साथ, क्योंकि आप तो जानते ही हैं दीपक जी, मैं खुद एक किसान परिवार की बेटी हूं। मैंने 5 साल की उम्र में, आपको ध्यान भी होगा, 13 अगस्त 1999 को किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए संसद भवन पर गिरफ्तारी भी दी थी। तब भी ये सरकार किसानों पर कह ढा रही थी भाजपा की, आज भी ये किसानों पर कह ढा रही है। अभी मैं आपके चैनल पर बहुत देर से डिबेट को देख रही हूँ, मैं खुद आई हूँ तब से डिबेट नहीं देख रही, आपका चैनल लगभग पिछले 1.5 घंटे से मैं देख रही हूँ, और आपके चैनल पर इतनी सार्थक और सकारात्मक डिबेट मुझे देखने को मिली। आपने बहुत सटीक प्रश्न किए, मैं भी एक प्रश्न करना चाहती हूं। आपके चैनल पर अभी कुछ देर पहले कह रही थी अपराजिता जी कि हमें धन्यवाद करना चाहिए था कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, तो ये बता दें कि आपको किस लिए धन्यवाद किया जाए? इसीलिए धन्यवाद करें कि आपने देश की 25 लाख करोड़ की खेती का उपज कारोबार चंद उद्योगपतियों के हाथों में देने के लिए धन्ना सेठों के लिए कानून बना दिया, या इसीलिए आपको धन्यवाद किया जाए कि एक प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और हमारे देश के आपकी पार्टी के आदरणीय मोदी जी ने एक देश के जवान को देश के किसानों के विरुद्ध दिल्ली के बॉर्डर पर खड़ा कर दिया? मतलब अगर आदिवासी आंदोलन करे आपकी जन विरोधी नीतियों का, तो आप उसे नक्सलवादी कहेंगे, कोई अल्पसंख्यक कहे तो पाकिस्तानी कहेंगे, अगर कोई छात्र कहे तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य कहेंगे, तो केवल मोदी मोदी कहलाने वाले देशभक्त कहलाते हैं क्या? ये भी बता दीजिए जरा। और अवार्ड वापसी गैंग की भी बात करते थे आप, तो प्रकाश सिंह बादल जी ने इसी बात पे पद्म विभूषण वापस कर दिया है, कहेंगे उन्हें अवार्ड वापसी गैंग का सदस्य? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं बड़ा अच्छा कानून, आप लोकसभा की सदस्य है, मैं बड़े सम्मान करती हूं आपका, लेकिन राज्यसभा में आप क्यों? मुझे लगता था बस मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री मां झूठे हैं, लेकिन भाजपा के सारे प्रवक्ता झूठ बोलते हैं, आज आपने साबित कर दिया। राज्यसभा में आपने वॉइस वोटिंग कराई, लगातार सांसद विरोध करते रहे, आपने निलंबित करा दिया, चोर दरवाजे से अध्यादेश लाए, कौन से किसानों से आपने पूछने का काम किया? और आप बता दीजिए, भंडारण के लिए आप कानून लाए हैं, 1944 के अंदर जब बंगाल में सूखा पड़ा तब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिक भंडारण के कारण 40 लाख से अधिक लोग भूख से मर गए थे, आपने फिर उस कानून को लाने का काम किया है। आप देश के उद्योगपतियों को बढ़ाना चाहते हैं, हाँ हमने सुना था मोदी जी ने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढिए, लगता है इस आपदा की आड़ में मोदी जी ने उद्योगपतियों के लिए अवसर ढूंढ लिया है और 3 काले कानून ला दिए हैं। आप एपीएमसी एक्ट की बात कर रही हैं, अभी आप कह रही हैं 3 मैनिफेस्टो का पढ़ के बता रही हैं, मुझे बता दीजिए आप कि वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जब अध्यक्ष मोदी जी, उन्होंने खुद कहा था। अब मैं दीपक जी अपनी बात जस्ट पूरी कर लूं, जब वर्किंग ग्रुप ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अध्यक्ष थे मोदी जी, तब मार्च 2011 में उन्होंने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को रिपोर्ट सौंपी थी। और अब आप पेज नंबर 19 पढ़ लीजिएगा मैडम, उसमें लिखा हुआ है साहब कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनना चाहिए, और भी लिखा हुआ है इसी के खिलाफ में। और आपको धन्यवाद इसलिए कर दें क्या कि आप ही के अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी जिस बात की खिलाफत करते थे आपने उसी को कानून बना दिया, और आप लोकसभा की सदस्य है तो जरा लोकसभा का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा, मिल जाएगा जेटली जी का भाषण भी आपको। तो आज आप समझा दीजिए कि आप एक तरफ कहते हैं खुला बाजार और दूसरी तरफ मनोहर खट्टर जी और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि दूसरे प्रदेशों की फसल बिकने नहीं देंगे, जेल पहुंचा देंगे। तो पहले अपने मुख्यमंत्रियों को समझा लीजिए, आप देश के अन्नदाता को नासमझ और बेवकूफ बता रहे हैं क्या? आज देश का जनमानस और भाजपा के घटक दल भी आज आपकी खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आज आपको झुकना चाहिए और अन्नदाता का सम्मान करते हुए इन काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। अपराजिता जी, लेंगे काले कानून वापस आप? किसी समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता है, बड़े शांत मन से बात को समझना पड़ता है। 3 फार्म बिल लाए गए, विचार विमर्श करके सरकारों से, राज्य सरकारों से विमर्श करके ये फार्म बिल लाए गए। नहीं तो कहां विचार विमर्श किया गया? झूठ मत बोलिए, आप फिर से झूठ बोल रही हैं। आप मेरी बात सुने बहन, बहन बहन आप मेरी बात सुने, आपकी बात बड़ी उत्तेजना के साथ सब लोग सुन रहे हैं। अरे दीदी आप गलत मत बोलिए ना, अरे आप मैडम गलत मत बोलो ना, जरूरत नहीं है, सही बोलिए, आप तथ्यों पर बात कीजिए। अब आप मोदी जी की तरह मेरा पूरा सम्मान है,
मैं किसान की बेटी भी हूँ, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हूँ। सुन ले, नहीं मेरा भी सम्मान है, बात देखिए अपमान की बात है, सम्मान की बात नहीं है। नहीं बिल्कुल सुनूंगी, लेकिन आप झूठ मत, राजनीतिक रोटियां ना सेके मेरी बात सुने। गिरेबान में मत झगड़िया, आतंकवादी के आरोपियों का आपने संसद पहुंचाया, हमने नहीं पहुंचाया, तो गिरेबान में मत झगड़िया। लिबरलाइजेशन का वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं, और ऐसा होगा कि हमारे जो जो फार्मर्स हैं, हमारे जो अन्नदाता हैं, इनके जो इनका जो प्रोड्यूस है इसको अच्छा मूल्य मिलेगा। एक ऐसे इकोसिस्टम की, ऐसे वातावरण की हम सृष्टि करना चाहते हैं कि हमारे अन्नदाता को उसके उत्पादन के लिए अच्छा मूल्य मिले। इसी कमेंट और पर ऐसा कभी ना सोचे कि किसी व्यापारी या किसी कंपनी के हाथ में बैठ के आज रोकूंगा।